और ये चीफ जस्टिस को बड़ा वाजे पैगाम किया कि पार्लियामेंट खड़ी है, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। एक वज़ीर आज़म को कुछ कहना है तो फिर पूरी पार्लियामेंट को कहना पड़ेगा कि डेट भी आपको दे रहे हैं, शेड्यूल भी आपको दे रहे हैं, मॉनिटर भी आप कर रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? पोस्ट ऑफिस का डाकखाना है वो कोई? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान YouTube चैनल, मैं हूं मानकिश सदरसों। मुबश्शिर साहब, मैं बड़ी हैरान हूं, शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट लिया। मैंने जब ये खबर पढ़ी तो मुझे बस ये हुआ कि इनको जरूरत कैसे महसूस हुई, क्यों महसूस हुई उनको ये जरूरत उन्होंने एतमाद का वोट, और उन्होंने 180 वोट हासिल किए कैसे? बावेश हुकूमत हुकूमत होती है, रियासत रियासत होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैंने पहले दिन कहा था कि जब चीफ जस्टिस साहब ने यह कह दिया था कि पार्लियामेंट से बिल रिफ्यूज़ हो गया तो वज़ीर आज़म का एतमाद कम हो गया, और ये वो वटे वो जिस पर अटॉर्नी जनरल ने उनको यकीन दानी कराई थी कि नहीं, उनका एतमाद पूरा है पार्लियामेंट का उनके ऊपर, तो उसके बाद आज या कल ये एक्सपेक्टेड था कि चीफ जस्टिस साहब ये कह देंगे कि जी आप प्रेसिडेंट साहब को कहते हैं कि आपसे कहें कि एतमाद का वोट आप ले लें ताकि पता चल जाए वो फाइनेंस का बिल क्यों रिफ्यूज हुआ। तो मेरे ख्याल है उसको उन्होंने प्रीएम्प्ट किया। शहबाज शरीफ साहब ने जोराना किया हुआ था, यानी दोपहर का खाना किया हुआ था इत्तेहादियों का, उसमें उनको इत्तेहादियों ने भी ये मशवरा दिया कि आप शो ऑफ पावर करें, तो उन्होंने जब वोट लिए तो फिर 180 वोट पड़े पूरे के पूरे जितने भी उनके वोट थे और इत्तेहादियों के, और बस 181 होने थे। अब वो मौलवी शकूर साहब की डेथ हो गई थी नाकहानी तौर पे, अल्लाह मगफरत करे, तो उस वजह से वरना 181 होने थे। आइए, चीफ जस्टिस को बड़ा वाजे पैगाम किया कि पार्लियामेंट खड़ी है, पार्लियामेंट ने अपनी फुल पावर दिखा दी है, और उन्होंने मैसेज दे दिया चीफ जस्टिस को कि अगर तुमने एक वज़ीर आज़म को कुछ कहना है तो फिर पूरी पार्लियामेंट को कहना पड़ेगा, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। और देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने प्रपोज किया ये जो होने था पार्लियामेंट के अंदर, तो इसके जो लोग बातें कर रहे थे कि पीडीएम जो है उसमें इख्तलाफात हो गए हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफ हो गया, जी अलग हो रहे हैं, वो सपोर्ट नहीं कर, वो सब दफन हो गई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जितनी चीजें जो हैं वो पीटीआई के ट्रोल्स ने फैलाई हुई थी वो सारी आज मुर्दा हो गई। लेकिन सर ये अचानक ही हुआ है, कोई कल तक तो ऐसा कोई फैसला नहीं था कि एतमाद का वोट लेना है, अचानक फैसला हुआ और अचानक से ले लिया। ये बात हो रही थी, कल भी हो रही थी, और हमारा ख्याल था कल रात को ले लेंगे, लेकिन कल उन्होंने पार्लियामेंट का 3 बजे तक का इजलास मौखर कर दिया था, तो रात को इशाइया उन्होंने किया था जिसको उन्होंने डिले किया था और उसको आज जोराने में कन्वर्ट कर दिया। तो दोपहर को ही आइडिया हो गया था कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इत्तेहादियों से ये बात करेंगे, और अगर इत्तेहादियों ने ये मशवरा दिया तो 10 मिनट की बात है आके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे। तो आप 6 महीने तक तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी नहीं ला सकते इस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो आपका आइन कहता है। सर, तो वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट के बाद अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को भी फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर तमाम जजेस से एतमाद लेना चाहिए कि सब जजेस एक पेज पर हैं, आप क्या कहते हैं इस पर? जजेस एक पेज पर नहीं है, चीफ जस्टिस को मरवाने वाली बातें हैं ये, यानी आप ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस को तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे, एक पे नहीं दोनों पैरों पे कुल्हाड़ियां मारे, उसके बाद कुल्हाड़ी कहीं भी हो भागते हुए जाए उसको टुटा मार ले, ये कह रहे हैं। वाज़े डिविजन्स है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कल भी हमें पता चला था कि जनाब जजेस की आपस में लड़ाई हुई है, इससे पहले अपना कई रिपोर्टर असतूर जैसे तो ये भी रिपोर्ट कर रहे थे कि हाथापाई तक नौबत आ रही थी या बड़ी सख्त तूतू मैमें हुई है, तो फिर उससे पहले हमें पता चला कि टी रूम के अंदर गालम गलोच हुई थी, तो चीफ जस्टिस कहाँ से ले लेंगे एतमाद का वोट? उनके उनकी कोर्ट्स को, उनके अपने जजेस को उनके ऊपर एतमाद नहीं। आप देखें खुद उनके जजेस ये कहते हैं कि 4-3 का फैसला जिसको चीफ जस्टिस 3 रुकनी बेंच का फैसला कह रहे हैं, एक्चुअली तो 4-3 से वो रिजेक्ट हो चुका है, तो वो उनका कहना है कि चीफ जस्टिस गलत अपना प्रोसीड कर रहे हैं इस केस के साथ और ये नहीं होना चाहिए इस तरह। वो तो कहते हैं सुओ मोटो ही गलत है, ठीक है ना, इस केस पे, क्योंकि ये मातहत अदालतों में चल रहे थे केस ऑलरेडी, लाहौर हाई कोर्ट में भी, पेशावर हाई कोर्ट में भी, तो चीफ जस्टिस एतमाद का वोट रजिस्ट्रार से ले लेंगे और 5-6 जो उनके वो दूसरे जजेस हैं जो उनके जाने से पहले सेफ और सिक्योर होना चाहते हैं उनसे ले लेंगे,
पूरे सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। देखिए मावेश, आपको मैंने पहले की गारंटी किया था, कब से किया था, ये नहीं होते मई में इलेक्शन, जो मर्जी कर लो। और जब चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये तारीख को होंगे, तो आपने कितना मुझे कहा था सर अब आप गलत हो गए, ये हो गया, मैंने कहा कि ये करा के दिखा ले जरा चीफ जस्टिस साहब। मैं बस ये कह रही थी कि अगर उन्होंने हुक्म दे दिया तो फिर क्या होगा। हुक्म मावेश ये थोड़ी है कि मैं आपको अभी हुक्म दूं कि आप पर से रात वाली फ्लाइट पकड़ के लाहौर आ जाए, कैसे होगा इस तरह। आपको कितनी चीजें सेटल करनी पड़ेंगी, फिर आपको देखना आपका बजट है कि नहीं है, फिर आपने देखना अपनी बेटी का क्या होगा, फिर आपने देखना है आपके हस्बैंड को कैसे आप छोड़ेंगी वहां पे। आई मीन आपको कितनी, एक घर में कितनी चीजें प्लान करनी पड़ती हैं एक फ्लाइट लेने के लिए। तो आप मुल्क में इलेक्शन करवा रहे हैं बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी बात के, फिर आप हर एक को लाके बुलडोज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन को जीरो कर दिया, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है पाकिस्तान का, आईन उसको तहफ्फुज देता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बगैर तहफ्फुज के कर दिया। तो डेट भी आप खुद दे रहे हैं, शेड्यूल भी आप खुद दे रहे हैं, मॉनिटर भी आप कर रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, पोस्ट ऑफिस का डाकखाना है वो कोई? तो नहीं, अपना मैं नहीं मानता कि ये सही हुआ, और अल्लाह करे कि आप जो फैसला दें वो, जब तक ये प्रोग्राम हमारा चलेगा तब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला भी आ चुका होगा, मुझे नहीं पता वो क्या होगा, लेकिन आई जस्ट होप कि दैट विल बी यू नो दैट विल ब्रिंग सम गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान और कितनी बुरी खबरें सुने रोज के मौके पर। सर इत्तेहादी जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए रेडी हो गए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात जबरदस्ती हो रहे हैं और किसी को भी इसके कामयाब होने की उम्मीद नहीं है। मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते, देखें एक तो बात यह है कि टाइमलाइन कितनी देर में, आज के दिन कल के दिन तक हो नहीं सकता। पहली बात तो यह कि जो कमेटीज उसमें बैठी हैं वो खुद से फैसले नहीं कर सकती, मुशावरत करेंगी एक दूसरे से, फिर वो जाएंगे अपने बड़ों के पास, फिर वहां पे मुज़ाकरात होंगे, फिर वहां पे मुशावरत होगी, फिर वो वापस आएंगे, फिर वो दो इधर डालेंगे, वो तीन इधर डालेंगे, फिर वो उनमें से तीन निकाल कर वापस लेके जाएंगे, तो ये पता नहीं 10 दिन चलेगा ये मामला, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक पार्टी कह रही है कि इलेक्शंस फौरी हों, दूसरी पार्टी कह रही है अक्टूबर में हों, तो बीच में कौन आने को तैयार है इनमें से? इनमें से अगर बीच में आने को तैयार नहीं तो मुज़ाकरात का फ़ायदा क्या है? वो तो आई वॉश है लोगों को दिखाने के लिए, इसलिए लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात फेल होंगे, इसलिए नहीं कि लोगों की नीयत सही नहीं है, इसलिए कि लोगों के स्टेक्स ऐसे उन्होंने कर दिए हैं कि कोई भी उनमें से बैक डाउन करता है तो लगता है पॉलिटिकली हार गया। सर शेख रशीद साहब भी यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुज़ाकरात से कोई रास्ता निकलना नहीं है, इलेक्शन का जो फैसला है वो चौक चौराहों और सड़कों पर होगा, सियासी हलकों में भी ऐसी बातें हो रही हैं। सर आपको भी यही लगता है कि क्या इनको सड़कों पर निकलना पड़ेगा और फिर इलेक्शन का फैसला होगा? कोई नहीं निकलेगा सड़कों पर, गलत फहमी है इनकी। लोगों को रोटी पूरी नहीं हो रही मावेश, मैं कल मुझे पता मैंने किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे आटे की बोरी की कीमत पूछ के। आई मीन मैं तो हैरान हूँ, कल मैं किसी के घर जा रहा था तो वो बस अब मैं क्या कहूँ, उधर एक बंदे ने मुझे कहा, अब मैं ये भी नहीं बता सकता कि क्या करता है बंदा, कि सर हमारी तनख्वाह 5 तारीख को आती है, अगर आप मुझे एडवांस दे दें तो मैं तनख्वाह आने पर आपको रिटर्न कर दूंगा, और मैं दूं या ना दूं वो तो मैं अलग बात करूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने दी या मैं नहीं कह रहा कि मैंने नहीं दी, लेकिन बात ये कि उसका ये साइकिल नहीं ठीक हो सकता, वो हर महीना ये प्रॉब्लम होगी क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, वो कैसे खर्चा मीट करेगा? तो भाई ये नहीं है कि वो बदनीयती कर रहा है या बदयांती कर रहा है, लेकिन मुझे पता है अब वो ट्रैप हो गया इस भंवर में, और ये सारों का हाल है, ये उसका अकेले का हाल नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों का हाल है। सर लेकिन मुझे ये समझना है, मौलाना साहब कैसे मान गए मुज़ाकरात के लिए? पहले तो मौलाना साहब नहीं मान रहे थे। मेरा ख्याल है कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना जनरल, वो मुज़ाकरात के लिए ना करके एक्चुअली उसको एक एडवांटेज के तौर पर तो यूज करते हैं, मुज़ाकरात को ना नहीं कर सकते क्योंकि यही पॉलिटिक्स है, द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। मैं तो कहता हूँ ये भी अच्छी बात होगी कि शेख रशीद और मैं, हम दोनों गलत साबित हो जाए और इसका कोई मुस्बत हल निकले मुज़ाकरात का, वाई नॉट, क्यों हम दोनों सही हों, क्यों ना अच्छी बात हो कि कल आप यहाँ बैठ के कह रही हो कि सर आप भी गलत हो गए, शेख साहब भी गलत हो गए, वो देखें मुज़ाकरात कामयाब हो गए, तो पाकिस्तान की कामयाबी है ना अगर मुज़ाकरात कामयाब होती है।
हम उसके लिए गलत होने को तैयार हैं सर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये जो समाअत हुई है ये बड़े अच्छे माहौल में हुई है, बड़े धीमे माहौल में हुई है, मुज़ाकरात की ज़ाहिर कोई डेडलाइन भी नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने। आपको क्या लगता है, ये वक्ती खामोशी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या वाकई सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है? मेरा ख्याल है कि काफ़ी कुछ हो रहा है बिहाइंड द क्लोज डोर्स भी हो रहा है कि जिसकी वजह से आपको ये लल बिफोर द स्टॉर्म नज़र आ रहा है। बट आई पर्सनली थिंक के आज अच्छा माहौल नहीं था। दो जज साहिबान ने तो बात ही नहीं की, एक जुमला भी नहीं बोला पूरी हियरिंग में। तो फिर आई मीन जजेस का क्या काम है, और कि अगर उन्होंने क्वेश्चन नहीं करना, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देनी, अगर कोई जजमेंट में नहीं कॉन्ट्रीब्यूट करना, तो वो इट्स नॉट ऑल वेल एंड ऑल गुड ओवर देयर। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कितनी बार कहता रहा मुज़ाकरात करें, तो मैं आपको यही कहता था सुप्रीम कोर्ट को पंचायत थोड़ी है, कि वो तो उसका काम है फैसला देना, उसका काम मुज़ाकरात कराना थोड़ी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को आज कहना पड़ा है कि हम मुज़ाकरात का नहीं कह रहे, आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है ना। और हम डेडलाइन भी नहीं दे सकते, डेट भी नहीं दे सकते, अब वो ये कह रहे हैं। लेकिन अब ये फैसला आएगा तो पता चलेगा कि एक्चुअल उनका क्या मूड है। इस वक्त मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये समझ आ गई है कि हम लोगों से कई गलतियां हो गई हैं, जिनमें पेशावर में ना करवाना वो भी गलती है, पंजाब के बाई इलेक्शंस को जिस तरह से किया गया वो भी गलती है, या बाई इलेक्शन तो नहीं लेकिन वो असेंबली के वोट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, वो भी शायद सही नहीं हैंडल हुआ लोअर कोर्ट से। उसके बाद ये 4-3 की जजमेंट जो है ये इसके ऊपर सुओ मोटो लेने के ऊपर, सो There's a series of events that is coming down. तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी साख बचाना बहुत ही जरूरी हो चुका है। सर, हुकूमत की तोहीने पार्लियामेंट के बिल पेश करने की भी खबरें सामने आ रही हैं। अगर ये बिल एक्ट बनता है तो आपके ख्याल में हुकूमत इससे क्या हासिल करना चाहती है? देखिए मावेश, अभी होता ही है कि जिसका दिल करता है उठ के पार्लियामेंटेरियंस को जो मर्जी कह देता है या पार्लियामेंट को जो मर्जी कह देता है, बगैर एविडेंस के कह देता है। मैं और आप अब बैठ के कहते हैं ये तो पार्लियामेंट है ही रिडंडेंट, बेकार, डाकू हैं जी इस पार्लियामेंट में सिर्फ ये वो, तो हम बेसिकली पूरी आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं जिन्होंने उनको चूज करके वहाँ पे भेजा। तो तौहीन पार्लियामेंट होनी चाहिए, लेकिन एक उसके अंदर भी डायरेक्ट कार होना चाहिए, क्रिटिसिज्म को नहीं अवॉइड होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, या निशानदेहियों को नहीं अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जो स्लीज एलिमेंट है या ऐसी बात है कि हम पार्लियामेंट को मानना ही नहीं है, उसकी बात नहीं माननी या उसको रोकना है कवानीन बनाने से, तो वो तो बहुत सीरियस इश्यूज हैं। तो पार्लियामेंट को एड्रेस तो करने हैं, वो इवेंचुअली बनना चाहिए ऐसा कर। वैसे भी सर, अगर देखा जाए तो सिर्फ ये सियासतदान ही हैं जिनके ऊपर आप खुलकर बात कर सकते हैं। तो वैसे मैं सोची थी अगर इनके ऊपर भी पाबंदी लग गई तो फिर मीडिया चैनल हल चलाएंगे क्या? हाँ, किसी और पर तो बात कर नहीं सकते हम, ऐसा ही है, चैनल्स तो चलते ही इस वजह से। ठीक है मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें।